कृष्ण ओम अज्ञातिमिरंधस्याज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने ये सेक्शन देखा था, लास्ट सेक्शन है आज इस चैप्टर का। सो 3.38 तक कल देखा था, अर्जुन जब ये प्रश्न करते हैं कि क्या वो चीज है, अत केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषा, किस कौन सी वो पुरुष है जिसके कारण, कौन इंस्टिगेट करता है, कौन प्रेरित करता है व्यक्ति को गलत चीजें करने के लिए। तो भगवान बताते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विधि एनम ही वैरिणा। ये जो काम रूपी शत्रु है भौतिक संसार में, भगवान से स्वतंत्र रूप से भोग करने की जो इच्छा है, इसी के कारण व्यक्ति गलत काम करता है। इसका स्वभाव क्या है, महाशनो महापापमा, ये ऑल डिवाउरिंग है, बहुत सिंफुल है। विधि एनम ही वैरिणाम, ये एनिमी नंबर वन है। तो ऑल डिवाउरिंग है, तो कोई भी मनुष्यता व्यक्ति में बच नहीं पाती है, पूरी तरह से उसका नाश कर देती है। और महापापमा, तो जब व्यक्ति भोग करना चाहता है तो वो किस हद तक पाप करेगा उसका कोई सीमा नहीं, ये एनिमी नंबर वन है। फिर भगवान बताते हैं किस प्रकार से तीन कवरिंग है, ये हमारा एनिमी नहीं है, ये सारे संसार का एनिमी है, पशुओं के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर और मनुष्यों के ऊपर, सबके ऊपर काम की लेयर, काम की कवरिंग है। तो तीन प्रकार की, तीन कोटियों की, ये जो काम के आवरण है, इसको बताया 38 श्लोक में। धूमे नावृते वहनेर यथा दर्शो मलेन चा यथा उल्बेना व्रतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। जैसे आग जो है वह धुएं से ढकी रहती है और जो दर्पण है वो धूल से ढका रहता है, और जो गर्भ से शिशु गर्भस्थ शिशु है वो गर्भ से ढका रहता है। तो ये तीन लेवल का कवरिंग बताया है। अब इसके आगे लास्ट चार श्लोक हैं आज देखेंगे हम लोग। इन श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं, जो लास्ट के चार श्लोक हैं, तब ये बताने के बाद कि ढका रहता है, 3.38 में भगवान ने बताया है कि जो मनुष्य के ऊपर, जैसे आग धुएं से, धुएं का आवरण जो आग के ऊपर रहता है वो सबसे थिन कवरिंग है, वो सबसे कम कवरिंग है, वो एक ऐसी कवरिंग है जिसको पेनिट्रेट किया जा सकता है। जो दर्पण की कवरिंग है वो बहुत मोटी कवरिंग है, उसके बाद जो गर्भ के अंदर शिशु है वो और ज्यादा मोटी कवरिंग। तो जो आग धुएं से ढकी रहती है, ये उदाहरण दिया गया है मनुष्य शरीर के लिए। तो मनुष्य शरीर में इस प्रकार क्या एक व्यवस्था है कि उसकी चेतना को विकसित किया जा सकता है, हम लोग कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, बाकी जो पशु हैं पेड़ पौधे हैं उनके लिए लगभग ये असंभव चीज है। इस प्रकार से तो ये जो काम है, जो भोग करने की जो इच्छा है, अगले श्लोक में बताते हैं कि ये जो इसमें आवरण कर रखा है तो ये किसको आवरण करता है। जैसे 38 में बताया है, तीन कोटियों के आवरण बताए गए हैं, तो किसको ढकता है ये जो काम है,
और ये जो काम है इसका और एक स्वभाव अगले श्लोक में, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण नलेन च। आवृतम ज्ञान में तेना, कोई व्यक्ति बोल सकता है अच्छा जो भोग करने की इच्छा है ये किसको परेशान करती है, हाँ मूर्ख लोगों को परेशान करती होगी, कोई ज्ञानी है वो तो इसके अंदर नहीं आएगा जिसको ज्ञान है। भगवान बोलते हैं अरे ज्ञान को तो ढक लेती है ये। तो हम लोगों का भी हमारे जीवन में अनुभव है जब भोग करने की इच्छा होती है कुछ तो फिलॉसफी बैकग्राउंड में चली जाती है, जो ज्ञान है वो समय पे काम नहीं आता है कई बार। तो सब कुछ पता है लेकिन जब भोग करने की इच्छा इतनी तीव्र है जब वो आती है तो ज्ञान बैकग्राउंड में चला जाता है। आवृतम ज्ञान में तेरा, ये ज्ञान को आवृत कर लेती है। ज्ञानी ना नित्य वैरिणा, और ये नित्य वैरी है ज्ञान की, ज्ञानियों की ये नित्य वैरी है। काम रूपेण कौन्तेया, काम रूपी हे कौन्तेया, ये काम रूपी जो शत्रु है इसका क्या स्वभाव है, दुष्पूरेण अनलेन चा। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन ये जो काम रूपी शत्रु है दुष्पूरेण अनलेन चा, दुष्पूरेण अनलेन चा, दुष्पूरेण मतलब कभी भी हम इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जो जीव है, जो जीव का स्वभाव है, जो शुद्ध जीव है, वो आध्यात्मिक जगह से जब यहाँ पे आता है तो उसकी जो शुद्ध चेतना है वो कवर हो जाती है। आवर्तम ज्ञान में तेरे, उसकी जो चेतना है वो कवर हो जाती है। ज्ञानी ना नित्य वैरिणा, इस शत्रु के द्वारा, काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण अनलेन च, और ये शत्रु कैसा है, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बताया है, क्या कवर होता है, पिछले श्लोक में तीन आवरण बताए ये कवर कर लेती है, जो काम है ये तीन कोटि के इसके आवरण है। तो यहाँ पे बताया कि ये क्या कवर करता है, किस चीज को ढकता है, ज्ञान को, ये जो आत्मा का नॉलेज है, हाँ तो उसको कवर कर लेता है। और इसको नित्य वैरिणा क्यों बोला है, नित्य वैरिणा मतलब ये हमेशा हमारा शत्रु रहता है। इतने करोड़ों करोड़ों हमने जन्म लिए होंगे, हर जन्म में शत्रु हमारे साथ रहा है, इसलिए इसको बोला है नित्य वैरिणा। तो तीन चीजों के पर्सपेक्टिव में इसको बोला है नित्य वैरिणा। पहला तो आइडेंटिटी, ये ऐसा एक शत्रु है इसको हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे शत्रु है। ये सबसे खतरनाक शत्रु है, क्यों, क्योंकि अगर कोई शत्रु है तो पहले पता रहना चाहिए कौन शत्रु है, तो आप उसको अटैक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप देखेंगे पहले हिंदी मूवीज में कई बार वो जो व्यक्ति सोच रहा है, जो एक्टर है, वो जिसको सोच रहा है कि ये मेरा मित्र है, वो इवेंचुअली शत्रु निकलता है, वो विलन का आदमी है। तो जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये शत्रु है, हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते, हम उसी को फीड कर रहे हैं। ऐसे ये शत्रु है काम रूपा, काम रूपी शत्रु को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भोग करने की इच्छा मेरी शत्रु है। और क्या होता है, जब भोग करने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, उसके बीच में जो आता है हम समझते हैं ये हमारा शत्रु है। हमको लगता है ये हमारा शत्रु। जैसे आप संसार में देखेंगे, जब भी किसी स्त्री पुरुष में आकर्षण हो जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं ये, अब उसके बीच में कोई आ गया तो व्यक्ति को लगता है ये हमारा शत्रु है। तो आइडेंटिटी ही नहीं पता चल पाता है, पहला लेवल जो है। फिर दूसरा क्या है, जो इसका स्ट्रेटजी है, इसका जो स्ट्रेटजी है ये भी बहुत स्पेशल है। ज्यादातर कोई और शत्रु हम पे आक्रमण करता है, तो जब वो हम पे आक्रमण करता है तो वो अपना एनर्जी, फोर्स, आर्मी, अपनी सेना लेके आता है, अपनी पूरी शक्ति लगाता है, अपने पूरे संसाधन लगाता है हम पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन ये काम एक ऐसा शत्रु है, हमारी ही शक्ति लेके ये हम पे ही आक्रमण करता है, ये हमारी ही एनर्जी को यूज करके हम पे आक्रमण करता है, बाहर की एनर्जी नहीं यूज करता है।
तो हमको कोई बाहर से फोर्स नहीं कर रहा है कि हमको गलत काम करना है, बाहर से फोर्स नहीं है, वो अंदर से ही है। जैसे कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर के रिसोर्सेस को उपयोग करके ही कंप्यूटर को नष्ट कर देता है, करेक्ट? कंप्यूटर में जब वायरस आता है तो बाहर से कुछ रिसोर्स नहीं ले रहा है, कंप्यूटर के मैकेनिज्म को यूज करके ही। तो स्ट्रेटेजी भी इसका खतरनाक है। और तीसरा क्या है? लॉन्गेविटी। आइडेंटिटी, स्ट्रेटेजी और लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी मतलब कोई शत्रु रहता है, आप एक बार आक्रमण करेगा, दो बार आक्रमण करेगा। हम सुनते हैं जरासंध ने कृष्ण भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। हाँ, पृथ्वीराज के ऊपर मोहम्मद गौरी ने कुछ बार 8-9 बार आक्रमण किया था। लेकिन ये काम एक ऐसा शत्रु है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। इतने जन्मों जन्मों से इसने हमको नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया मतलब स्पिरिचुअली डेड कर दिया, लेकिन फिर भी काम कभी संतुष्ट नहीं होता है। उदाहरण दिया है, जैसे आग में घी डालते हैं, ययाति महाराज का ये श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शम्यते, हविष्य वर्तमान इवा भूय एवा विवर्तते। न जातु काम कामानाम, जो काम है, जो भोग करने की इच्छा है, भोग करके कभी संतुष्ट नहीं होती है। उपभोगे न क्षम्यते, उपभोग करके कभी शमन नहीं होता है इसका। क्या उदाहरण दिया है? भविष्य हविष्य वर्तमान एवा भूय एवा विवर्तते। जैसे आग में आप घी डालते हैं तो कम नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है। और तो ये सिद्धांत है, एक काम रूपी जो शत्रु है, इसलिए इसको बोला गया है नित्य वैरिणा, ये हमेशा हमारा वैरी रहता है। आइडेंटिटी, पहले हम इसको पहचान नहीं पाते। स्ट्रेटजी, हमारी ही संसाधनों का, हमारी शक्ति का उपयोग करके ही हम पे अटैक करता है। और लॉन्गेविटी, ये हमेशा शत्रु बना रहता है। हाँ, ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो जब हम कोई युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को बहुत अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट है। तो कोई युद्ध कर रहा है और युद्ध करते समय अलर्ट नहीं है, हंसते खेल रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो एक बुलेट लगेगी उसको, एक गोली लगेगी और वो खत्म हो जाएगा। तो युद्ध में कैजुअल नहीं रह सकते, अगर कोई कैजुअल रहेगा तो वो कैजुअलिटी हो जाएगा। इसी तरह संसार में जब हम आध्यात्मिक पथ पे आते हैं तो माया के साथ हमारा ये युद्ध है। तो युद्ध करने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज है, पहला है व्यक्ति को अलर्ट रहना है, दूसरा उसको इक्विप रहना है, मतलब उसको अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है। और उसके साथ उसको अगर युद्ध करना है तो युद्ध करने के लिए उसके पास हथियार भी होने चाहिए जिससे वो युद्ध कर सकता है। तो जब हम एक आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और जो काम रूपी शत्रु है ये हमको गलत डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करता है, तो इसीलिए हमको अलर्ट रहना इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को शुद्ध जीवन व्यतीत करना है, प्योर जीवन, तो उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि ये शत्रु हमेशा हमारे साथ रहता है और उसके पास हथियार भी होने चाहिए। तो अलर्ट रहने का मतलब क्या है? डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। हाँ, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। हमारे पास समय है, हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या हमारी दिनचर्या है, रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल। और हथियार का मतलब क्या है कि जो बीड बैग है। हाँ, तो हमारे पास ये हथियार है, बीड बैग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके साथ जब हम श्रवण करते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो ये हमारा हथियार है माया के साथ लड़ने के लिए। तो अगर कोई अलर्ट नहीं है, कभी भी उठ रहा है, कभी भी सो रहा है, अफलातून का जीवन व्यतीत कर रहा है, हाँ, तो वो तो माया की गोद में ही बैठा हुआ है। कोई उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। और कोई समय पे सो रहा है, समय पे उठ रहा है, ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन हथियार नहीं है उसके पास माया से लड़ने के लिए। वो ना तो जप कर रहा है, ना भगवान के नाम का श्रवण कर रहा है, भगवान की कथा का, ना प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहा है। तो उसके साथ भी उसका भी क्या है? उम्मीद कम है। ये तो जीव का जो स्वभाव है, तो आत्मा का ये काम का स्वभाव क्या है? दुष्पूरेण है, कभी इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। दुष्पूरेण अनलेन चा,
ये ऐसा है ये काम, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। तो जीवात्मा का जो स्वभाव है वो ये स्वभाव है, वो असीम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, आनंद में उभरना चाहता है। तो ये संसार में जब वो जीव आनंद ढूंढता है तो संसार उसको बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है कि आप ये ऑब्जेक्ट ले लो, ये ऑब्जेक्ट ले लो, ये वस्तु को प्राप्त करके आपको आनंद मिलेगा। लेकिन भौतिक आनंद का स्वभाव क्या है कि ये फाइनाइट प्लेजर देता है। जीवात्मा की नीड क्या है? इनफाइनाइट प्लेजर। आत्मा को कैसा आनंद चाहिए? आध्यात्मिक आनंद चाहिए जो असीम है, अनंत है। और भौतिक संसार में जो आनंद मिलता है बहुत सीमित है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति को प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, वो जंगल में जाता है, रेगिस्तान में, कहीं उसको दिखता है पानी, कहीं घड़ा दिखता है। अब वो घड़ा दिख रहा है, वो उस घड़े को उल्टा करके पानी पीने का प्रयास करता है और एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद ऐसा उसके मुंह में गिरता है। तो उससे उसका प्यास जाएगा क्या? प्यास नहीं जाएगा, और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए ये भौतिक संसार में जब हम भोग करने का प्रयास करते हैं तो भोग करने के प्रयास में जो थोड़ा सा हमको आनंद मिलता है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभुपाद जी ने देखिए इस तात्पर्य की जो लास्ट लाइन लिखी है, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। देखिए कितने बहुत डीप पॉइंट प्रभुपाद जी ने लिखा है। So called while doing sense gratification, the so-called feeling of happiness is the enemy of sense enjoy, is the real enemy of sense enjoy. The so-called feeling of happiness, जो तुच्छ सुख, छुल्ल सुख, छुल्ल सुखानाम जो बताया गया है भागवतम में, जो तुच्छ सुख यहाँ हमको मिलता है इस संसार में भौतिक क्रियाओं में, भोगों में, जो थोड़ा सा हमको हैप्पीनेस मिलता है यही हमारा एनिमी है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट, उसकी नीड है इनफाइनाइट की। हाँ, महाराज एक प्रवचन में उदाहरण देते हैं, जरूरत है 1 करोड़ की और उसको किसी ने 50 पैसे दे दिए। जरूरत कितनी है? 1 करोड़ की। लेकिन 50 पैसे से वो इतना आसक्त हो जाता है, वो भूल जाता है 1 करोड़ का अटेम्प्ट करना, भूल जाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख की तुलना, भौतिक सुख क्या है? वो 50 पैसे की तरह है, लेकिन वो व्यक्ति को 50 पैसा मिलता है उसको ही नहीं छोड़ पाता है, वो उसी से उसका एडिक्शन हो जाता है। तो ये अल्टीमेट एनिमी है सेंस एंजॉयर का, जो हैप्पीनेस मिल रहा है। जैसे के लिए जो मछली है उसको कैसे पकड़ा जाता है? मछली के लिए जो बेट है, हाँ, वो अल्टीमेट एनिमी है, क्योंकि जाल में डाल के बेट जब डाला जाता है मछली उसको खाने जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी तरह जो चूहा है, चूहे को पकड़ने के लिए पिंजड़े में कुछ डाल देते हैं, चीज वगैरह, वो ट्रैप है। इसी तरह से भोगों में मिलने वाला जो तुच्छ सुख है वो ट्रैप है हमारे लिए। प्रभुपाद जी का एक फेमस कोट है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गिव अप सेक्स डिजायर। He says, it's not difficult to give up sex, but it is difficult to give the desire to give up. It's not difficult to give up sex desire, but it is difficult to give up the desire to give up sex desire. तो प्रभुपाद जी एक कोट बोला करते थे कि जो भौतिक संसार में जो सबसे बड़ा सुख बोला गया है एक्सटर्नल लेवल पे, जो सेक्स डिजायर, उसको छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इच्छा किसी में होना कि इसको छोड़ना, वही बहुत दुर्लभ है। भौतिक संसार में ये एक ऐसा जेल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रहा।
अभी आ रहा है, वॉइस आ रहा है। तो भौतिक संसार एक ऐसा वो है कि यहाँ से कोई भागने ही नहीं चाहता। तो संसार में जितने जेल हुए हैं, सारे जेलों से इंसान भागा है ये। लेकिन ये ऐसा जेल है यहाँ से कोई भागना नहीं चाहता, क्योंकि इनविजिबल शैकल्स, ये माया देवी है, उसने कौन से एलिमेंट का शैकल बना, इनविजिबल, वो अदृश्य। ये भी प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है, जेल का एग्जाम्पल। तो जब हमको पता चलता है कि ठीक है ये इतना खतरनाक शत्रु है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पता होना चाहिए अगर कोई खतरनाक शत्रु है तो अभी देखना पड़ेगा ये कौन सी लोकेशन पे। तो वॉर में जब भी युद्ध होता है तो पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो आर्मी की पोजीशन कहाँ है। जैसे कारगिल का वॉर हुआ था तो इंडियन आर्मी नीचे था, पाकिस्तान वाले ऊपर थे। हाँ, तो जो पोजीशन होती है बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस पोजीशन पे ये शत्रु है, क्योंकि तो जब आपको पता चलेगा कि शत्रु कहाँ है तभी आप उस पर अटैक करोगे। तो ये बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते एते विमोयति येषा ज्ञानम आवृत्ति देहिनाम। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अस्य इस काम का अधिष्ठानम उच्यते, निवास स्थान है। तो जो काम है, ये शत्रु कहाँ बैठा हुआ है, ये इंद्रियों में बैठा हुआ है, मन में बैठा हुआ है, बुद्धि में बैठा हुआ है। एतर विमो एत, इन सब स्थानों से ये अटैक करता है। विमोहयति, हमको मोहित कर देता है, मोहग्रस्त कर देता है। ज्ञानम आवृत देहिनाम, हमारे ज्ञान को आवृत कर देता है, किसके देहिनाम। तो ये काम रूपी शत्रु कहाँ है, ये लस्ट कहाँ सिचुएटेड है। तो लस्ट क्या है, अपोजिट सेक्स में नहीं है एंजॉय करने का टेंडेंसी, ये व्यक्ति के मन में है, ये व्यक्ति के माइंड के अंदर है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम बाहर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे मन के अंदर है ये। तो एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में दिया गया, तो उदाहरण दिया है कि तो एक वो ब्रह्मचारी है, वो जा रहा है, तो वो ब्रह्मचारी जा रहा है और एक घर के बाहर वो देखता है कि जो स्त्री है अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है। तो जैसे ही वो देखता है कि एक स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, वो तुरंत उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो याद करने लगता है कि कैसे भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया। हाँ, बच्चे के आने से पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाता है ये। और इसी दृश्य को देख के कोई व्यक्ति काम से मोहित हो सकता है। तो ये सिद्धांत है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो लस्ट है वो व्यक्ति के माइंड में है, वो ऑब्जेक्ट में नहीं ये। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज इसमें बताया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, शत्रु ने बद्ध जीव के विभिन्न स्मारक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने लिखा है, द एनिमी हैज कैप्चर्ड डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन द बॉडी ऑफ कंडीशन सो। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन को उसने कैप्चर कर लिया। अगर आपको युद्ध करना है तो युद्ध में जीतने के लिए सबसे पहले आपके पास पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक पोजीशन। तो ये जो हमारा युद्ध चल रहा है, इसमें काम ने जो जितनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, सबको कैप्चर कर लिया ये। तो इसीलिए जीव की स्थिति बहुत गंभीर है। आवृतम ज्ञान, ज्ञानम आवृत, ज्ञान को ये कवर कर लेता है, नॉलेज को। तो कैसे ये कवर करता है हमारे नॉलेज को। हाँ, ये हमारे नॉलेज अक्वायरिंग फैकल्टी को ही कैप्चर कर लेता है। तो इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं कि लस्ट कैसे कवर करता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपने शरीर को यूज करूं इंद्र तृप्ति में और आत्मा को यूज करूं भगवान की सेवा। अच्छा आइडिया है, बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सोल फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। तो उसने बोला, प्रभुपाद जी सोल तो स्पिरिचुअल है,
ये और बॉडी क्या मटेरियल है, दोनों का काम हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं नहीं ऐसा हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि बीच में मन है ना, मन दोनों को कनेक्ट कर देता है। तो हमको एक सिंक में ही हम लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लस्ट क्या कवर करता है, तो सेंसेस माइंड और इंटेलिजेंस ये सिटिंग प्लेसेस हैं लस्ट के लिए। इनके द्वारा लस्ट ज्ञान को कवर करता है और जीवात्मा को विमोहित कर देता है। तो लस्ट सिचुएटेड है हमारे मन में, इंद्रियों में और इंटेलिजेंस में। ये तो क्या होता है कि जब जो इंद्रियां हैं ना, जो सेंसेस हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट कनेक्शन में आते हैं, और जो इंटेलिजेंस है वो कंटामिनेट हो जाती है। जिस बुद्धि का काम है योजना बनाना कि भगवान की सेवा कैसे करना है, वो निरंतर योजना बनाने लगती है संसार में इंजॉय कैसे करना है। और जैसे वो ज्यादा और ज्यादा कंटामिनेटेड होती जाती है, हाँ, फिर इंटेलिजेंस क्या है एक टाइम पे, क्योंकि ये हाईजैक हो गई है अभी हमारी इंटेलिजेंस लस्ट के द्वारा हाईजैक हो गई। जैसे आपने मूवी में देखा होगा जब वो हाईजैक कर लेते हैं, किसी को हाईजैक कर लेते हैं, फिर वो अपनी स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकता। जैसे टेररिस्ट ने किसी को हाईजैक कर लिया, अब जो वो बोलेंगे वही वो बोलेगा, जो वो करवाना चाहेंगे वही वो व्यक्ति करेगा। इसी तरह से बहुत समय से इंद्रिय भोग करने के कारण जो इंटेलिजेंस है वो हाईजैक हो चुकी है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है। पहला महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एक है हमारा इंटेलिजेंस, एक है शास्त्रों का इंटेलिजेंस। जो शास्त्रों का इंटेलिजेंस, तो हमारा इंटेलिजेंस का इतना प्योर नहीं है। तो अपनी बुद्धि के आधार पर जब भी हम सोचते हैं कि ये चीज है, इससे हम इतना अफेक्ट नहीं होंगे, इंटरनेट यूज करेंगे हाँ ठीक है, इससे ज्यादा इतना अफेक्ट नहीं होंगे, ये चीज करेंगे इससे इतना अफेक्ट नहीं होंगे, तो ये हमारा इंटेलिजेंस है। लेकिन एक इंटेलिजेंस है जो शास्त्रों का है, जो गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हमको मिलता है। तो जो गुरु साधु शास्त्रों का इंटेलिजेंस है, हमारा इंटेलिजेंस उसके नीचे रहना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में कोई ऐसी प्लानिंग आ रही है जो गुरु साधु शास्त्रों के इंटेलिजेंस के परे है, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। ये तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ये तो कोई भी एक्टिविटी है जो शास्त्रों में दिया गया है कि इसको नहीं करना चाहिए, तो उसको नहीं करना चाहिए, या उसके लिए एक सही चैनल हमको बनाना चाहिए इवेंचुअली लाइफ में। ये जैसे शास्त्रों में बताया गया है, स्पेशली बताया गया है मैन और वुमेन, ये दो अलग है, ये दो अलग स्पेशीज है। ये तो सिद्धांत के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स को गाइड नहीं कर सकते। तो इस्कॉन में भी हम देखते हैं बहुत सारा प्रीचिंग होता है, और जहाँ पे भी प्रीचिंग होता है, तो ये एक जनरल ऑब्जर्व फिनोमेना है, माता जी लोग पहले ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं, प्रभु जी इसकी हालत तो गंभीर है। ये यूथ प्रीचिंग के अलावा, यूथ प्रीचिंग में तो यूथ से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन कॉन्ग्रेगेशन प्रीचिंग जहाँ करते हैं तो ज्यादातर माता जी लोग सिंसियर हो जाते हैं, ज्यादा सिंसियर रहते हैं, प्रभु जी लोग इतना सिंसियर नहीं रहते। लेकिन इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है प्रभु जी इस माता जी इसको गाइड नहीं कर सकते, पर्सनल मैटर्स में गाइड नहीं कर सकते, ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ये स्पिरिचुअल मैटर्स में जनरल गाइडलाइंस दिए जा सकते। ये आइडियल सिस्टम क्या है? आइडियल सिस्टम है कोई सीनियर कॉन्ग्रीगेशन चाहिए, गृहस्थ को गाइड करने के लिए कोई सीनियर कॉन्ग्रीगेशन चाहिए। उसमें भी जो माता जी है वो माता जी को गाइड कर सकते हैं, जो प्रभु जी हैं वो प्रभु जी को गाइड कर सकते हैं, और जो भी ब्रह्मचारी या जो भी है वो स्पिरिचुअल गाइडलाइन दे सकते हैं प्रभु जी को, या प्रभु जी माता जी साथ में है तब दोनों को भी। ये प्रिंसिपल है। तो ये पहला प्रिंसिपल है जो हमको पता होना है, वो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है स्पेशली इस्कॉन के रिगार्ड्स में। इसी तरह बॉयज गर्ल्स को गाइड नहीं कर सकते, तो जो बॉयज हैं वो गर्ल्स को गाइड नहीं कर सकते, वो प्रिंसिपल ही नहीं है शास्त्र में, वो प्रिंसिपल नहीं डाला। ये सन्यासीज हैं वो कर सकते हैं गाइड किसी को भी, जो सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी एक जगह रहते नहीं है, वो ट्रैवल करते रहते हैं, वो कभी एक जगह नहीं रहते हैं, उनका ट्रैवलिंग रहता है।
लेकिन एक जगह पे रह के एक व्यक्ति है और वो गाइड कर रहा है तो सिचुएशन अफेक्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है, इसलिए इस्कॉन में मैक्सिमम जगह कॉन्ग्रीगेशन में डेवलप नहीं है, तो बहुत कम है कॉन्ग्रीगेशन डेवलपमेंट। माता जी प्रभु जी भी सीनियर बहुत रेयर है, जैसे महाराज बोलते हैं ब्रह्मचारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, ऐसे ही सीनियर कॉन्ग्रीगेशन मैच्योर कॉन्ग्रीगेशन कहीं पे अवेलेबल हो जो गाइड कर सके, वो भी बहुत रेयर स्पीशीज है। तो ये स्थिति में क्या है कि थोड़ा बहुत गाइडेंस इन जनरल व्यक्ति को देना पड़ता है, लेकिन वो उसको पता रहना चाहिए कि ये बहुत बॉर्डर बहुत मर्यादा में रह के वो दे सकता है, वो भी थोड़े समय तक। तीसरा चीज है, जो माता जी हैं उनको भी एजुकेशन का जरूरत है, माता जी को भी एजुकेशन का जरूरत है इसको, उनमें उनको क्या डिस्कशन करना है, क्या डिस्कशन वो कर सकते हैं, क्या डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, जो वो ब्रह्मचारी इसके साथ डील कर रहे हैं। ये तो इस तरीके से इस श्लोक में बताया है कि ये जो एनिमी है, हाँ, तो इंद्रियाणी मनोबुद्धि सारी सारी जगह पे बैठा हुआ है और ये कैप्चर कर लिया है। तो अभी ये एनिमी इसलिए हमको हमेशा कुछ भी गलती हमसे होती है, हम किसी दूसरे पे दोष नहीं दे सकते, हमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जैसे कोई व्यक्ति है वो शराब की बोतल को देख के आकर्षित हो जाता है क्योंकि उस शराब की बोतल का लेबल अच्छा है, पैकिंग अच्छा है, लेकिन वही शराब की बोतल को देख के दूसरा व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है, सेम ही ऑब्जेक्ट है ना, सेम ही शराब की बोतल है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है क्योंकि ना ये प्रॉब्लम शराब के बॉटल का नहीं है, हाँ प्रॉब्लम है मन व्यक्ति के अंदर जो इम्प्रेशन है, अंदर उसके गलत इम्प्रेशन है, हाँ इसीलिए वो प्रोन है इल्यूजन के लिए इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया है कि ये क्यों बताया गया है इस श्लोक में कि वो शत्रु कहाँ पे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपको युद्ध करना है अपने आप को बचाना है तो आपको पता रहना चाहिए शत्रु कहाँ है, तो जब अगर आपको पता है कि शत्रु कहाँ है तो फिर आप उस पर अटैक कर सकते हैं। और बहुत सुंदर तात्पर्य है इसमें, प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो बुद्धि है वो आत्मा की निकट पड़ोसी है, इंटेलिजेंस इज अ नेक्स्ट डोर नेबर। ये तो काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, तो जब बुद्धि करप्ट हो जाती है तो वो आत्मा को भी अफेक्ट करती है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है, वह मन तथा इंद्रियों से अपने आप को तादात्म्य कर लेता है, आत्मा को इंद्रिय भोग की लत लग जाती है, वो एडिक्ट हो जाता है जिसे वह वास्तविक सुख मान लेता है। तो प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पे इसलिए इंटेलिजेंस को क्योर करना एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है, नेक्स्ट डोर नेवर है सोल का, सेंसेस माइंड इंटेलिजेंस एंड देन सोल। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर इंटेलिजेंस क्या है, बॉडीगार्ड की तरह है वो, तो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है उसको किसी ने रिश्वत दे दी तो वो कैसे सिक्योरिटी करेगा, उल्टा डाका डाल देगा वो, यही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इंटेलिजेंस गुरु साधु शास्त्र पे फिक्स नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी व्यक्ति को। इसको आगे के श्लोक में और एक्सप्लेन किया है, तस्मात्तम इंद्रिय न्यादो नियम्या भरतर्षभा पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम तस्मात्, इसलिए भगवान बोलते हैं देयरफॉर इंद्रियन आदो, ये जो शुरुआत करो इंद्रियों को रेगुलेट करने से, आदो मीन्स शुरुआत करो, नियम्या रेगुलेट करो, भरतर्षभा ओ बेस्ट ऑफ भरतवंशी। तो भगवान बोल रहे हैं हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये पूरा जो सिस्टम है अभी जो काम कर रूपी शत्रु से डील करना है, हाँ तो ये तो इंद्रियों में भी बैठा है, मन में भी बैठा है और बुद्धि में भी बैठा है, शुरुआत करो इंद्रियों को रेगुलेट करने से, पाप मानम प्रज ही है न, और पाप के इस महान प्रतीक को प्रज ही इसका दमन करो, निश्चित ही ज्ञान विज्ञान नाश, ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला है। तो यहाँ पे हमको पता रहना चाहिए कि सेंसेस ग्रॉसेस्ट हैं और इजीएस्ट टू कंट्रोल है, हाँ तो भगवान बोल रहे हैं सेंसेस को पहले रेगुलेट करो, सेंसेस को, क्योंकि सेंसेस माइंड और इंटेलिजेंस में सबसे स्थूल रूप से सेंसेस है, ग्रॉसेस्ट सेंस है, और क्या इसको इजीएस्ट है कंट्रोल करना। तो
तो लस्ट तो हर जगह बैठा हुआ है, सेंसेस में भी है, माइंड में भी है, इंटेलिजेंस में भी है, लेकिन अब शुरुआत कहाँ से की जाए। हाँ, शत्रु अगर हर जगह बैठा है, कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो इंद्रियों में कीजिए, इंद्रियों से स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि इतने जन्मों से व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, और जब बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति कर रहा है, अगर उसकी इंद्रियां इंद्रिय तृप्तियों में लगी है, इंद्रियां इंद्रिय विषयों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है, तो वो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोच ही नहीं पाता। हाँ, वो कभी सोच ही नहीं पाता है। तो युद्ध करने की बात तो दूर है, पहले तो उसको पता होगी शत्रु है। दूसरा क्या है, उसको कुछ होप है कि शत्रु के साथ युद्ध किया जा सकता है। तो जब इंद्रियां आकर्षित रहती हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय विषयों में व्यक्ति लगा हुआ है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो उसके बहुत मुश्किल होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो जो इंटेलिजेंस है, जब वो मटेरियली कंटामिनेट हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए गुरु साधु शास्त्र से इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को, प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है भगवान ने। तो भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय संयम करो सबसे पहले, ये सबसे पहले सेंसेस को रेगुलेट करो। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये बिगिनिंग है। इसके आगे भगवान बोलते हैं 42 में, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तु सा। भगवान सीक्वेंस बता रहे हैं कि देखिए, सबसे ग्रॉस में क्या है, इंद्रिय विषय, सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट से उस सुपीरियर क्या है, सेंसेस, इंद्रियां। इंद्रियों से सुपीरियर है इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से सुपीरियर है मन। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से सुपीरियर है बुद्धि। बुद्धे परतस्तु सा, बुद्धि से सुपीरियर है आत्मा, और आत्मा से सुपीरियर है परमात्मा। तो ये पूरा सीक्वेंस क्या है, सबसे नीचे है इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, आत्मा से श्रेष्ठ है परमात्मा। ये तो जो सेंसेस हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट से सुपीरियर है। हाँ, तो जो सेंसेस हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। जैसे कोई डिलीशियस फूड है रेस्टोरेंट में, तो हमारे पास अपने आप नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं। लेकिन क्या है, जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो इनर्ट मैटर है, और जो सेंसेस हैं वो आत्मा से कनेक्टेड है, सोल से कनेक्टेड है, इसलिए सेंसेस को सुपीरियर बोला है। लेकिन सेंसेस से सुपीरियर है माइंड, क्योंकि माइंड की जो एनर्जी है, गीता के 10वें अध्याय में ही बोलते हैं भगवान, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अमंग द सेंसेस आई एम माइंड, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो माइंड का एनर्जी है सेंसेस से बहुत ज्यादा है, माइंड का स्पीड बहुत फास्ट है, सोचने का बहुत फास्ट है ये। तो माइंड को सेंसेस से सुपीरियर बोला गया है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई बीमार हो गया, फीवर हो गया, तो इंद्रियों के द्वारा एंजॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि इंद्रियां काम नहीं करती। हाँ, जीभ से उसको जो मीठी चीजें, कड़वी लगने लगेगी, बुखार आ जाएगा तो। लेकिन मन फिर भी चलता रहता है, मन में अभी भी इच्छाएं, वो वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां वृद्ध हो जाती हैं, लेकिन मन हमेशा युवा रहता है। तो मन उनसे सुपीरियर है। मन सारे अधिष्ठायम मनश्चैवम, सारे इंद्रियों के इनपुट्स मन पे इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन मन से ऊपर इंटेलिजेंस है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ये मन को कंट्रोल कर सकती है। तो हम देखते हैं, कुछ समय रहते हैं हमारे जीवन में, किसी चीजों के प्रति आकर्षण रहता है, लेकिन क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस है, बुद्धि काम करता है, तो बुद्धि काम करता है, इसलिए हम वैसा एक्ट नहीं करते। जैसे हम लोग कभी जॉब कर रहे हैं, तो जो भी जॉब कर रहा है, बॉस के प्रति उसके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, जो उसका बॉस है, उसको लगता है मैं इसको शूट कर दूं, इसको गोली मार दूं, ऐसे ऐसे बोलता है, बोलता है संडे को भी रुक जाओ थोड़ा। तो उसके मन में बहुत कुछ विचार आते हैं, इसको थप्पड़ मार दूं, लेकिन बुद्धि का उपयोग करता है वो, और फिर अपनी मर्यादा में रहता है। तो इसलिए इंटेलिजेंस उससे श्रेष्ठ है, और सबसे श्रेष्ठ एक्चुअली सोल है, क्योंकि सोल किंग है। अब देखिए यहाँ पे सिद्धांत क्या है, जो चैरियट बॉडी एनालॉजी है उससे हमको ये समझना चाहिए। चैरियट और बॉडी का एनालॉजी, जो रथ का एनालॉजी दिया गया है। हाँ, अब इसमें क्या है, जो पांच घोड़े हैं, ठीक है, ये पांच घोड़े हैं, पांच इंद्रियां हैं, और उसके बाद जो लगाम है वो मन है। हाँ,
और जो ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस, और जो पैसेंजर है वो सोल है, ये याद रखिएगा। तो पांच घोड़े हैं, पांच इंद्रियां हैं, जो लगाम है वो मन है, जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, और जो सोल है वो पैसेंजर है। ये अब जो लगाम है उसका काम है कि घोड़ों को नियंत्रण में रखना है। तो मन का आइडियल काम क्या है कि घोड़े नियंत्रण में रहना चाहिए, लेकिन हमने देखा है ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि घोड़े इतने वाइल्ड हो जाते हैं, लगाम इधर उधर हो जाती है, जो चैरियट में पैसेंजर बैठा है वो भी नीचे गिर जाता है, वो भी नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए यही आत्मा की सिचुएशन होती है संसार में। तो जब व्यक्ति बहुत इंद्रिय तृप्ति में लगा है, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगा है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहला चीज बताया है कि सेंसेस एक बेसिक लेवल पे कुछ क्या है ना, रेगुलेट होना चाहिए। तब क्या है, जब आत्मा ये डिसाइड करता है मैं इतने जन्मों से संसार में घूम रहा हूँ, मुझे कृष्ण के पास जाना है, तो जो आत्मा है वो इंटेलिजेंस को कम्युनिकेट करता है, इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड सेंसेस को कंट्रोल करता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे ले जाता है। ये आइडियल ट्रेजेक्ट्री है, ऐसा होना चाहिए। आत्मा स्ट्रांग रहनी चाहिए, बुद्धि गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, मन कृष्ण कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, और इंद्रियां रेगुलेटेड रहनी चाहिए। लेकिन इस हिरार्की में प्रॉब्लम क्या आता है कि इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के बीच में जो आकर्षण है बहुत तीव्र है, और ये ग्रेविटी के पुल की तरह है, जैसे गुरुत्वाकर्षण रहता है, किसी चीज को ऊपर से छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे वो अपने आप नीचे गिरेगी। इसी तरह इतने जन्मों से जो इंद्रियां हैं इंद्रिय विषयों के पीछे भाग रही हैं, तो वो डिफॉल्ट अट्रैक्शन है। हम जैसे भी कुछ चीज देखते हैं उसके प्रति आकर्षण आ जाता है, हम गुलाब जामुन देखते हैं, कुछ देखते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, उसके प्रति आकर्षण आ जाता है। राधानाथ महाराज बोलते हैं एवरी पार्टिकल ऑफ मटेरियल क्रिएशन इज सैचुरेटेड विद सेंस ग्रेटिफिकेशन। भौतिक संसार का एक एक कण है इसमें इंद्रिय तृप्ति बैठी हुई है। इसीलिए जो अट्रैक्शन का पूरा होल मैकेनिज्म है ना, ये डाउनवर्ड पुल, सबसे नीचे घोड़े हैं लेकिन वो घोड़े ही वाइल्ड है। हाँ, वो इंद्रिय विषयों के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हैं ये कि व्यक्ति बार बार इंद्रिय तृप्ति करता है। इसीलिए अगर इस मैकेनिज्म को स्टॉप करना है तो बेसिक लेवल क्या है, सबसे पहले सेंसेस रेगुलेटेड होने चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा व्यक्ति के सेंसेस अनरेगुलेटेड हैं, तो मन जो लगाम है जिसको कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, वो निरंतर सोचता रहेगा कि इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी है। बहुत ज्यादा व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति का प्लानिंग कर रहा है तो वो कभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। इसीलिए फर्स्ट लेवल है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन का मतलब क्या है, व्यक्ति कब सो रहा है, कब उठ रहा है, रेगुलेटेड रहना चाहिए। कब खा रहा है, ईटिंग स्लीपिंग रेगुलेटेड रहना चाहिए। दूसरा है स्लीपिंग, दूसरा ईटिंग, कब उसको प्रसाद लेना है, कितने टाइम लेना है, थोड़ा रेगुलेटेड रहना चाहिए। तीसरा चीज, ऑफर्ड चीजें लेनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए अनऑफर्ड चीजें ना ले। तो कहीं अंकल चिप्स खा रहा है, कहीं कुरकुरे खा रहा है, कहीं किटकैट खा रहा है, ये हाँ, तो वैसा नहीं रहना चाहिए। ऑफर्ड चीजें ऑफर करके भगवान को भोग लगा के ही लेना चाहिए। तीसरा चीज है इंटरनेट का यूज, आज की डेट में रेगुलेटेड रहना चाहिए। इंटरनेट का यूज, मोबाइल का यूज, व्हाट्सएप का यूज, हाँ आप देखेंगे हाइपर एक्टिव रहता है व्यक्ति, जो पूरे टाइम जिसका 24 घंटे मोबाइल ऑन है, 24 घंटे व्हाट्सएप ऑन है, 24 घंटे सब कुछ ऑन है, हाँ बस उसकी बुद्धि ऑफ रहती है। हाँ, क्योंकि सब कुछ ऑन है, वो हाइपर एक्टिव है, इतना उसके मन में क्रिया चल रहा है, विचार चल रहा है। इसीलिए सबसे पहले ये बताया, तो मन जब हाइपर एक्टिव नहीं रहेगा व्यक्ति का, उसका एक टाइम है, देयर शुड बी सम स्टार्टिंग पॉइंट, सम एंडिंग पॉइंट। हाँ, एक समय के बाद वो मोबाइल ऑन कर रहा है और एक समय पे वो ऑफ भी कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको डिस्कनेक्ट होना है और भगवान से कनेक्ट होना है, तो ये जब रेगुलेशन होगा तो मन थोड़ा शांत होगा, मन थोड़ा शांत होगा। तो शांत मन से आप कुछ शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, ये प्रिंसिपल है ये। तो जब इस तरीके से जब सेंसेस रेगुलेट हो जाते हैं, तो ये सेंसेस का रेगुलेशन एक बिगिनिंग है, ये सफिशियंट नहीं है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हम वेजिटेरियन हैं या कुछ कम खा रहे हैं, ये बिगिनिंग है, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो परम दृष्टा निवर्तते, जब सेंसेस रेगुलेट होंगे और माइंड को आप भगवान के बारे में कंटेम्पलेशन में लगाएंगे,
फिर मन में प्योर विचार आते हैं, सेंसेस को रेगुलेट करेंगे, उसके साथ जब रीडिंग हियरिंग चैंटिंग करेंगे तो मन क्या है पॉजिटिवली सोचना शुरू करेगा, भगवान का चिंतन होगा। और फिर जो इंटेलिजेंस है, हाँ इंटेलिजेंस फिर क्या है, गुरु साधु शास्त्र का पालन करेगी और इंटेलिजेंस स्ट्रांग रहेगी। हाँ इंटेलिजेंस स्ट्रांग रहेगी तो गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न समझना इम्पोर्टेंट है, अगर बुद्धि इतनी इम्पोर्टेंट है तो उन व्यक्तियों का क्या होगा जो फिलोसफिकली इतने इंक्लाइंड नहीं रहते, इतने इंटेलेक्चुअल नहीं रहते। देखिए जो इंटेलिजेंस है इसको भी दो धारी तलवार की तरह है। तो जो बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल रहते हैं, तो वो बहुत बहुत कन्विंसिंग प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जिसका इंटेलेक्ट, जो बहुत इंटेलेक्चुअल है उसको इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस भी उतना चाहिए। ये क्योंकि कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसके लिए इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो इमोशंस है उसमें थोड़े ज्यादा, हाँ तो उसको इंटेलेक्चुअल चीजें थोड़ा कम चलेंगी, तो भगवदगीता उसको ज्यादा समझ आएगा नहीं। हाँ लेकिन अगर वो इंटेलेक्चुअल है तो उसको इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस चाहिए। ये तो बुद्धि यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस हायरार्की में। ये क्योंकि जो आत्मा है वो सबसे सीनियर है, लेकिन क्या होता है जब आत्मा, जब बुद्धि कंटामिनेट हो जाती है तो आत्मा भी क्या है उसके वश में आ जाती है। तो इसीलिए अगले श्लोक में बोला है इंटेलिजेंस के द्वारा विथ बुद्धि ये समझो क्या परम बुद्धवा। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि इंटेलिजेंस से हमको क्या करना है, प्रभुपाद जी ने लिखा है दूसरा पैराग्राफ, मनुष्य को चाहिए बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए। ये सोल्यूशन है, बुद्धि के द्वारा हमको देखना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कि हम कृष्ण के दास हैं। तो प्रभुपाद जी के आप तात्पर्य पढ़ेंगे ये पॉइंट आपको बार बार मिलेगा, और मन को कृष्ण भावनामृत में लगाए, मन को उसमें किसमें एंगेज करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। फिर तीसरा स्टेप क्या है, इससे सारी समस्या का हल हो जाएगा, ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ये सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धियों का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना है। मतलब केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोकना गोल नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन को रेगुलेट करना है, लेकिन बुद्धि के द्वारा मन को इंगेज करना है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वयं सशक्त हो जाता है, और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं किंतु ऐसा करने पर वे दंतहीन सर्पों के समान अशक्त हो जाएंगी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सेंसेस आर लाइक सर्पेंट, इंद्रियां क्या है सर्प की तरह है, लेकिन जब आप रेगुलेट करेंगे मन को कृष्ण भावनामृत में लगाएंगे तो वो दंतहीन सर्प की तरह हो जाएंगी, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ये पॉइंट है, ये प्रभुपाद जी ने सोल्यूशन दिया है इसमें। तो राधानाथ महाराज से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज बस क्या शास्त्र पढ़ने से हमको भगवान की कृपा मिल जाएगी? हाँ क्या केवल शास्त्र पढ़ने से? इतने लोगों ने शास्त्र पढ़ा है, रोम हर्षण सुत को तो इतना शास्त्र पढ़ा था, बलराम जी ने उसको मार दिया, और हम देखते हैं कितने लोग शास्त्र पढ़ के तो उनका अहंकार आ जाता है। राधानाथ महाराज ने बोला स्टडी ऑफ शास्त्र विल नॉट गिव यू मर्सी बट इट विल टीच यू द प्रोसेस ऑफ हाउ टू गेट मर्सी एंड ऑल्सो इट टीचेस द इम्पॉर्टेंस एंड द नीड ऑफ द मर्सी। तो शास्त्र पढ़ने मात्र से हमको कृपा नहीं मिलती है, लेकिन क्या है शास्त्र पढ़ते के द्वारा हमको समझ में आता है क्या प्रक्रिया है, मुझे भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा, भगवान का दास बनना पड़ेगा, प्रक्रिया समझ में आती है। और शास्त्र के द्वारा हमको समझ में आता है क्या जरूरत है हमको मर्सी की। ये तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे क्या होता है, कोई दवाई है, कोई पेशेंट आपके पास आता है, कोई दवाई आप देते हैं, दवाई कड़वी है, हाँ तो पेशेंट को लगता है अरे दवाई लेने से अच्छा है, दवाई लेने तो कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं नहीं मेरे को ठीक लग रहा है, मेरे को दवाई की जरूरत नहीं है, तो उसको कन्वेंस करना पड़ेगा। करेक्ट, वो पहले कन्वेंस होना चाहिए कि उसको दवाई चाहिए, उसकी हालत बहुत गंभीर है। तो मेडिसिन विल क्योर बट इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन इज नीडेड। करेक्ट,
तो क्योर तो मेडिसिन से ही होगा। हाँ, इसी तरह जीव जितना अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा। ये तो लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्या आत्मनम आत्मना जही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। भगवान बोलते हैं एवं बुद्ध्वा बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार बुद्धि से परम बुद्ध्वा परम श्रेष्ठ जानकर। तो बुद्धि के द्वारा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हाँ बुद्धि से, बुद्धि के द्वारा। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा परम बुद्ध्वा अपनी श्रेष्ठता को समझ के, जब तुम ये समझ जाओगे यहाँ पे कि विथ इंटेलिजेंस परम बुद्ध्वा ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन को, माइंड को एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में लेके आओ। तो भगवान बोल रहे हैं कि विथ बुद्धि अंडरस्टैंड योर सेल्फ टू बी परम। बुद्धि के द्वारा तुम समझो कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हें सबसे ऊपर हो, ट्रांसेंडेंटल हो। और संस्तभ्यम आत्मनम आत्मना, मन को भगवान की सेवा में लगाओ, मन को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में स्टेबल करो। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इसके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी शत्रु को तुम विजय प्राप्त करो। तो एक बार जो मन जो है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाता है तो क्या है, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। जब वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि साधक के स्तर पे हमको मन को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे लाना है बुद्धि की सहायता से। यूज योर इंटेलिजेंट टू कनेक्ट टू सुपर सोल। तो मन का स्वभाव क्या है, सहज रूप से ग्रेविटी का पुल है, वो नीचे जाना चाहता है। जैसे आप चैंटिंग कर रहे हैं तो मन इधर उधर भागेगा, लेकिन आपने कुछ जपा टॉक सुना है, जबकि महिमा के बारे में सुना है, तो आप प्रयास करेंगे मन को वापस लाने का। ये तो जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं मन उसमें लगता नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस की हेल्प से जब हम मन को उसमें लगाते हैं तो वो हेल्प करता है। चेतन महाप्रभु ने बोला इसलिए सिद्धांत बलिया चित्त ना करे आलस। हाँ, जैसे 2.63 में बताते हैं ध्यायतो विषयान् मुग्धः संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते क्रोधो भवति सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रमात स्मृति विभ्रमात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हाँ, अगर बुद्धि का नाश हो जाता है व्यक्ति का है, प्रणश्यति हो जाता है। इसी तरह अगर उसका इंटेलिजेंस गुरु साधु शास्त्र से कनेक्ट नहीं है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस लास्ट श्लोक में एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्य आत्मनम आत्मना, भगवान बोल रहे हैं बुद्धि के द्वारा अपनी स्थिति को जानकर मन को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सिचुएट करो। हमको इंटेलिजेंस से शक्ति लेके हमको देखना चाहिए कि मन जो है ये गलत डायरेक्शन में ना जाए। तो इस आखिरी श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, हाँ ये जो बुद्धि के द्वारा जो हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, ये हमारी इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ देता है काम रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो फिर ये दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ये दिव्य ज्ञान कैसे मिलता है, ये सब भगवान बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान द ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस। तो कल और परसों भी क्लास करेंगे ये, उसके बाद कुछ दिन का शायद ब्रेक रहेगा। तो ये तो लास्ट श्लोक में आप देखिए किसी भी चैप्टर का पहला और लास्ट परपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस परपोर्ट को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें डिटेल में भगवान बताते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बताया हुआ है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं वैसे इस परपोर्ट में कि अपने आप को सही पथ पे रखो बुद्धि का प्रयोग करके। तो सोल आत्मा है, इंटेलिजेंस है और माइंड है। तो इंटेलिजेंस के द्वारा क्या करना है, ये जानो परम बुद्ध्वा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये हाँ, लेकिन मन में भावनाएं हैं, मुझे एंजॉय करना है बॉडीली लेवल पे, लेकिन मैं बॉडी नहीं हूँ। तो जब बुद्धि के द्वारा ये पता रहता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक क्रियाओं में लगता है। और मन को आध्यात्मिक स्तर पे कैसे सिचुएट करना है, हाँ तो उसके लिए मन के लिए स्पिरिचुअल थॉट्स चाहिए। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, गुरु साधु शास्त्रों को, तो स्पिरिचुअल थॉट्स आएंगे। तो स्पिरिचुअल थॉट आएंगे तो लस्ट का एक ग्रेविटी पुल है, एक पुल है कृष्ण के लव का जो ऊपर वाला पुल है, और लस्ट का ग्रेविटी पुल है जो नीचे लाता है। तो
इसीलिए बताया गया है बेस्ट वे टू कीप माइंड ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इज टू ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा। तो जब हम भगवान के बारे में जितना चिंतन करते हैं, इसीलिए श्रवण कीर्तन एक कलयुग में बहुत उत्तम विधि है, क्योंकि श्रवण कीर्तन करने से हमको भगवान का ध्यान आता है। ये तो बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं, कुलशेखर महाराज और भी बहुत सारे उदाहरण। ये तो इस चैप्टर में कुल मिला के इस चैप्टर का एसेंस इन वन में यही है कि जितना हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, सेंसेस को, माइंड को, इंटेलिजेंस को, तीनों को जितना भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, उतना व्यक्ति क्या है, इम्यून रहता है। क्योंकि साधक के स्तर पे भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए बुद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हाँ, तो जीव गोस्वामी भी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, साधक के स्तर पे बुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है कृष्ण से कनेक्ट करने के लिए। इस प्रकार से गंधराज भगवद गीता। जय श्री प्रभुपाद। जय।